नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी पर एक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें इस एक्ट के तहत असुरक्षित तरह से गर्भपात कराए जाने पर की जाने वाली कार्यवाही पर भी जागरूकता लाए जाने पर जोर दिया गया। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनु पटेल ने आगरा में एनएमओ की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से जुड़े विभिन्न तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 1971 में एमटीपी एक्ट लाया गया था, 2017 में इसमें संशोधन किया गया। इसके तहत गर्भ निरोधक उपायों की असफलता से गर्भधारण और भ्रूण में विकास पर गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख गर्भपात हो रहे हैं, इसमें 50% असुरक्षित और अवैध हैं। फिर एक बात यह है कि गर्भपात कहाँ हो सकता है, तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ऐसा कोई भी हॉस्पिटल इसमें गर्भपात हो सकता है। अगर प्राइवेट नर्सिंग होम है और गवर्नमेंट ने उसको पंजीकृत किया है तो वहाँ भी गर्भपात हो सकता है। तो ये कुछ ये कानून में प्रावधान है। और अगर हम जैसे पवन जी अभी बता रहे थे इसके आंकड़े में जाए तो पूरे विश्व में करीब 220 लाख जितने जो गर्भपात होते हैं वो अनसेफ है। और हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हर साल 70 लाख मतलब 7 मिलियन एबोर्शंस होते हैं और इसमें से करीब करीब 50% अवैध रूप से होते हैं। जैसे अगर 24 हफ्ते के बाद अगर किसी को गर्भपात कराना है तो मेडिकल बोर्ड की एक अनुमति चाहिए होती है और हर शहर में मेडिकल बोर्ड नहीं है। अगर है भी तो वो उनकी संख्या इतनी कम है कि उनकी अनुमति के बाद आप गर्भपात करा पाएंगे। जैसे मुझे पता लगा दिल्ली में एम्स में है तो हर जगह मेडिकल बोर्ड की जो कमी है उसकी वजह से लोग गर्भपात समय पर नहीं करा पाते हैं। तो निश्चित रूप से उन्हें फिर झूलाछाप या अनक्वालिफाइड के पास जाना पड़ता है। तो एमटीपी एक्ट को हमारी तरफ से आगरा की तरफ से ये मांग है कि और व्यवहारिक बनाया जाए और जनता और महिलाओं के लिए और व्यवहारिक बनाया जाए ताकि उनको झूलाछाप की शरण में न जाए। इसमें पहुँच जाती हैं सीवियर एनीमिया होता है बहुत बार वो शॉक में भी हमारे पास आती हैं और इवन देन वो नाइट में भी आती हैं। तो ऐसे में जहाँ हम माँ को बच्चे को दोनों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट सतत प्रयास कर रही है इन मेडिकल अबॉर्शन किट्स की वजह से टैबलेट्स की वजह से ये मैटरनल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। तो सर जो बताएंगे उसके साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो टैबलेट फ्रीली केमिस्ट वाले सप्लाई कर रहे हैं इनको भी कुछ रोक लगनी चाहिए, इसके लिए भी हमारे कानून में कुछ प्रावधान होना चाहिए। प्रदेश में 1 लाख गर्भवती महिलाओं में 160 की मृत्यु हो जाती है। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पवन गुप्ता ने कहा कि मेडिकल स्टोर से भी दवाई लेकर लोग अपने आप गर्भपात की कोशिश करते हैं। जानकारी के अभाव में दंपत्ति झोलाछाप अथवा बिना किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह के भी गर्भपात संबंधी दवा ले लेते हैं जिसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। वहीं डॉक्टर भूपेंद्र चौहान ने कहा कि डॉक्टर्स में भी गर्भपात को लेकर जागरूकता की कमी है। इस दौरान एनएमओ से जुड़े तमाम पदाधिकारी व अन्य अध्यक्ष डॉक्टर अभिलाषा प्रकाश, संगठन सचिव डॉक्टर दिनेश राठौर, प्रीति भारद्वाज समेत तमाम चिकित्सक उपस्थित रहे।